श्री फाउंडेशन ट्रस्ट ने सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के तहत श्रीद्योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सैनिटरी पैड मशीन का इंस्टॉलेशन कराया। मशीन का उद्घाटन श्री रतनाल लेडीज क्लब की सचिव गौरी शेखावत ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर श्री शेमन के यूनिट हेड अनिल शर्मा, एचआर हेड बीएस राठौर, एचआर डिपार्टमेंट के रंजन कुमार, श्री रतनाल लेडीज क्लब की सदस्य अनामिका के अलावे सीतियोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह और सचिव राजेश कुमार सिंह उपस्थित रहे। देखिए, ये जो हमारा श्री सीमेंट प्लांट है, जो श्री फाउंडेशन है, उसकी तरफ से हमारी जो बच्चियां हैं, जो काफ़ी सारी बच्चियां इस कॉलेज में पढ़ती हैं, उनके लिए ये मशीन लगाई गई है। जो उन्हें मासिक पीरियड्स जो होते हैं, वो एक ऐसी समस्या जो पहले इस पर खुल के बात नहीं करते थे लोग, लेकिन एक मूवी आई थी, आप सभी ने देखी होगी, पैडमैन नाम से, उसमें उसमें ये पूरा ज्वलंत जो समस्या है औरतों और लड़कियों में जो होती है, उस पर खुल के बोला गया था। उसके बाद से इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई और हर जगह, हर सरकार ने, हर स्टेट की सरकार ने कहा कि भाई सब जगह, जो भी संस्था है, कॉलेज है, स्कूल है, या जहां भी लेडीज काम करती है, गर्ल्स काम करती है, ऐसी हर संस्था में ऐसी मशीन होनी चाहिए। अब ये हमारे सब बिहार सरकार तो नहीं लगा पाई हमारे इस कॉलेज में, लेकिन हमारे श्री ग्रुप ने, जो हमारी श्री फाउंडेशन है, हमारे बच्चों के लिए ये एक तोहफा है, ये उनके लिए एक तोहफा है कि जब भी उन्हें कोई समस्या हो तो वो आराम से खुल के बात करें। और यहाँ से अवेलेबल, इजी अवेलेबल है, ओनली एक कॉइन डालना है आपको और इससे इजी अवेलेबल है, जो कोई समस्या है तो वो सॉर्ट आउट किए है। इसके लिए हम सभी स्त्री ग्रुप का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। आज भी सोसाइटी में बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारी महिलाएँ जो हैं वो इस इशू पर बात नहीं कर पाती हैं, खुल के अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं। ये सब जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें अगर बदलाव लाया जाए, उसमें ये बताया जाए कि ये कोई लड़कियों की समस्या नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ये जो फॉरेन कंट्री है, या ये मान लो हमारा जो इंडिया है, उसमें भी एक तमिलनाडु है जिसमें एक ऐसी जगह है जिसमें ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जब भी किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं तो उसमें त्यौहार के रूप में, जिसका नाम है शायद मंजल मिराजू विता करके नाम है, वो त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी बहन बेटी, वो जब इस पीरियड्स आएंगे तभी तो माँ वाला गुण प्राप्त कर पाएंगे वो। कि आप जो भी जेंट्स हैं वो यही चाहते हैं ना कि हमारे घर में आने वाली बहू एक माँ के रूप में भी हो, तो ये तभी पॉसिबल होगा। तो इससे छुपने की या छुपाने वाली कोई ऐसी समस्या नहीं है, इस पर खुल के बात करनी चाहिए, ताकि ये जो पैड की जो मशीन लगाई गई है, इससे जो बच्चे यहाँ परेशान हो रही थी, जो इन्फेक्शन उन्हें होते हैं, वो इससे दूर होगा, तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट होगी। लेकिन जो समाज में हमारे है, अभी भी कुछ है, जो एजुकेशन का अभाव है, तो अगर एजुकेशन अच्छे से फैलाई जाए, अच्छे से बताया जाए, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह खुल के बात की जाए, तो मुझे लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो सकता है। गवर्नमेंट बात करती है कि हम महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, और ये मूल समस्या है, ये बहुत बड़ी बात है, इस पर कभी चर्चाएं नहीं होती हैं। चर्चा होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट बात करती है, लेकिन गवर्नमेंट कोई दो व्यक्ति नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब हम सब होते हैं, क्योंकि हमारे ही वोट से गवर्नमेंट बनती है, एक सिस्टम चलता है। अगर पूरा सिस्टम इसमें योगदान करे तो ये प्रॉब्लम कहीं रुक ही नहीं सकती, सॉर्ट आउट अपने आप ही हो जाएगी। और सिस्टम कहाँ से शुरू होगा? नीचे से। ऊपर से कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, हमें नीचे से प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। सर, आपने एक बहुत बड़ी पहल की है, और हमें लग रहा है कि ये सोसाइटी के लिए एक संदेश भी है, खास करके उन लोगों के लिए जो इस चीज़ पर खुल के बात नहीं कर पाते हैं। आज भी बच्चियाँ जो हैं कहीं ना कहीं अंदर ही सब कुछ दबा के रख लेती हैं, झिझक होती है इन सब चीज़ों के डिमांड कर पाने में, अपने अभिभावक से, शिक्षक से, या जहाँ भी रह रही हैं बच्चियाँ। ये आपने किया सर, ये कैसे आपके दिमाग में आया, क्या था? एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि एक तो क्या है, अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर फ्रेंडली रिलेशन रहता है ना, अपन कहते हैं ना कि बाप बेटे का एक अच्छा सा रिलेशन रहेगा, अगर वो फ्रेंडली रिलेशन रहेगा तो एक बहुत अच्छा कोऑपरेशन होगा। ऐसे बेटी का और अगर माँ के बीच में अगर दोनों के विचार अगर खुल के रहेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करेगी, वो इनके साथ करेंगे, तो ये समस्या कभी नहीं आएगी। और ये विचार हमारा ऐसे आया कि अभी हमारी एक बार जज साहब से बात हो रही थी यहाँ कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने हमसे बोला था कि आप हमारे को ये वेंडिंग मशीन दो, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर हमारे बहुत महिलाएं वगैरह ये सब आती हैं। तो हमने बोला जब वहाँ भी महिलाएं आती हैं तो हमारे सामने जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है इसमें भी बालिकाएँ बहुत सारी रहती हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, तो क्यों ना हम दो मशीन मंगाई जाए, एक वहाँ लगाई जाए और एक यहाँ लगाई जाए। तो ये हमने बोला कि चलो ठीक है, एक
कदम है समाज की सेवा के लिए, तो हमने स्थितियों को भी चुना उसके लिए, तो ये हमारी वो थी पहल इसके लिए। सर आज कॉलेज में ये सैनिटरी पैड लगा है, इससे बच्चियों को कितनी सहूलियत होगी? ये पहले तो मैं कि श्री सीमेंट के जो भी पदाधिकारी यहाँ हैं इनको मैं थैंक्स देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ दी श्री योग इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की ओर से, क्योंकि इनकी जो थॉट है, इनका जो विचार आया वह हाईली अप्रिशिएबल है। चूँकि जब है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जज ने इनसे डिमांड किया कि यहाँ महिलाएं आती है, तो इनको है कि दर्द हुआ कि वाई नॉट इन सिद्ध युग में बहुत बच्चियाँ पढ़ती हैं, बहुत फैकल्टी टीचर्स भी हैं यहाँ, और है कि टीचर्स भी गेस्ट आते हैं, तो उनके साथ भी ये समस्या है, जो भी लेडीज हैं उनके साथ ये समस्या है, जो यहाँ है कि उनको इजिली अवेलेबल नहीं है और वो बहुत कठिनाई के सामना उनको करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों पर इन्होंने अमल किया, थिंक किया, और सोशली इन्होंने इनका जो आइडिया हुआ तो इट इज कॉल्ड है कि सोशल आइडिया है, कि चूंकि मेल और फीमेल दोनों का समान अधिकार है, तो मेल तो कहें है कि जाकर कुछ भी ये में है कि मेंटेन कर लेता है, लेकिन खासकर फीमेल में समस्या है। मैं बताता हूँ कि जब हमारे यहाँ एग्जाम होता था, ऐसे भी हमारे यहाँ जब है कि बहुत भीड़ होती थी और गेट पर मैं देखता था कि खासकर महिलाएं को बाथरूम वगैरह का बड़ा भारी समस्या था। मैं पॉलिटिकल लोगों से भी कहा और लोगों से भी कहा, लेकिन अंत में हमने सोचा कि नहीं, इट शुड बी है कि रिमूव्ड। तो एक है कि सीता सिंह है, उन्होंने एक टैंक है कि प्रोवाइड किया, और इसके बाद है कि हमने ये राजेश जी से कहा अपने सचिव से कि बाबू ये इमीडिएट है कि लेडीज़ का ये प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और हम लोगों ने कि दो लैट्रिन बाथरूम बना दिया, शेड भी बाहर में बना दिया, क्योंकि उन लोगों को गर्मी में और है कि बरसात में जो गार्जियन आते थे उनको बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो उसके लिए शेड बना दिया, और खासकर महिलाओं के लिए, और हमने है कि लैट्रिन बाथरूम बना दिया कि उनको कोई समस्या नहीं हो। तो ये आइडिया है कि श्री सीमेंट का जो हैं पदाधिकारी हमारे सामने हैं, तो इनका विचार बड़ा उत्तम है और इन्होंने इस चीज़ को कंसीडर किया, और इसको कहा जा सकता है कि इट इज़ वन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम विच ही है जी रिमूव्ड। तो इसके लिए मैं मैनी मैनी थैंक्स देता हूँ, और इनको मैं विश करता हूँ कि इस तरह का आप बराबर है कि आइडिया जहाँ भी देखें कि ये चीज़ की वहाँ कमी है, और आपके यहाँ फंड इसके लिए आता है तो उसको आप रिमूव करें, उसमें इफ़ यू विल हेल्प द पीपल, इफ़ यू विल हेल्प द पीपल गॉड विल हेल्प यू। और इसके लिए मैं इनको शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ये उत्तम विचार को ये बराबर बनाए रहें, और ये हमारे एक नौजवान पदाधिकारी हैं तो इनको भी मैं थैंक्स देता हूँ, और हमारे राठौर साहब और हमारे जो मैडम लोग आए हैं और जो ओपन की, तो इसके लिए इन लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग का आइडिया जो है सो बराबर इस तरह का सोशल सर्विस के लिए बना रहे।